हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं मारुति सुजुकी की वैगनर है और इसका हमने एसी चालू रखा है, लेकिन कूलिंग इसका प्रॉपर नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 16.5, 16.3, 16.2, 16.3 पे भी कॉम्प्रेसर ट्रिप हो गया है। देख पा रहे हैं आप, यानी 16-17 तक कूलिंग आ रहा है इसका, उसके बाद कॉम्प्रेसर ऑटोमेटिकली ट्रिप हो रहा है। गैस मैंने चेक किया, गैस भी सब प्रॉपर है, 16-17 पे ट्रिप नहीं होना चाहिए इसका, लगभग 7-8 तक कूलिंग आना चाहिए, लेकिन बार बार ट्रिप मार रहा है। तो गैस भी सब प्रॉपर है, फिल्टर वगैरह पूरा सिस्टम, कूलिंग कॉइल, इवेपोरेटर सब क्लीन है, फिर भी इसका कंप्रेसर बार बार ट्रिप मार रहा है। तो चलो मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, गाड़ी अपना चालू पोजिशन में है अभी, जैसा की देख पा रहे हैं आप गाड़ी चालू पोजिशन में है। चलो बाहर आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है इसका, जो इसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रहा है और बार बार ट्रिप मार रहा है कंप्रेसर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लो और हाई दोनों लगा के रखा है और गैस भी इसमें प्रॉपर है। कंप्रेसर आप देख पा रहे हैं अभी चालू है, बंद हो गया अभी कंप्रेसर, थोड़ी देर के लिए अभी चालू होगा, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। कंप्रेसर अभी इसका हुआ क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाली सॉकेट है रेडिएटर फैन, सॉरी कंडेंसर फैन का सॉकेट है, ये फैन में सप्लाई आ रहा है, जैसा कि मैं मल्टीमीटर में देख पा रहा हूँ, मल्टीमीटर में लगा के रखा हूँ, 14 वोल्ट आ रहा है। और जब ये सॉकेट लगाने के बाद ये फैन अपना चालू होना मांगता है, जो कि कंडेंसर फैन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सॉकेट लगा दिया, लेकिन बट कंडेंसर फैन चालू नहीं हो रहा है, बंद है, इसकी वजह से कंप्रेसर बार बार ट्रिप मार रहा है और कूलिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है। कंडेंसर हीट हो रहा है, हीट होकर के हाई प्रेशर लेकर के कंप्रेसर को ट्रिप कर रहा है, इस वजह से कूलिंग नहीं हो रही अंदर। जैसा कि मैंने आपको बाहर दिखाया है कि कंडेंसर का फैन जो शॉर्ट हो गया है, यानी चल नहीं रहा है, इसकी वजह से बार बार ट्रिप मार रहा है कंप्रेसर, यही रीजन है। कंडेंसर फैन हम डालेंगे इसका तो सिस्टम प्रॉपर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बाहर दिखाया है, कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है, फिर चालू हो रहा है, ट्रिप कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कंडेंसर फैन चालू ना होने की वजह से कंडेंसर की जो हाई प्रेशर ले रहा है उसकी गर्मी को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, इसकी वजह से कंप्रेसर बार बार ट्रिप मार रहा है, इसकी वजह से हमको रेडिएटर फैन यानी कंडेंसर फैन या रेडिएटर फैन एक ही आता है, वो चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके अपना काम प्रॉपर एयर कंडीशन सिस्टम चालू हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज।